हेलो दोस्तों, मैं प्रणय और गैंकर स्पेसफॉक में गाइस बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो केज है। ये हमारा इस वीडियो का जो मकसद है वो हमारा सेकंड पार्ट दिखाना है। ये वो केज है जो हमने वर्टिकल जो लाया था। आप देख सकते हैं इस वक्त इसमें कुछ मटकियाँ कुछ हंडियाँ लगी हुई है जो उन्होंने बजीज के लिए यूज़ की थी। अभी हम इसे थोड़ा सा डेंटिंग बेंडिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम रखने वाले हैं रिंग वैरायटी। इसमें थोड़े से लूप होल्स है जो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो ये तार लगी हुई है ये बहुत अच्छे से पैक नहीं है। सो इसे हमें अच्छे से पैकिंग देना पड़ेगा क्योंकि रिंग वैरायटी जो रखेंगे वो थोड़ी सी शैतान होती है और वो निकलने का पूरी कोशिश करेंगे केज में से बाहर। तो उस वजह से तो अभी फिलहाल तो थोड़ा काम चल रहा है और ये भी बन जाएगा। तो ये देखिए गाइस, इस वर्ष इसमें हमने यूज़ इस तरह से किया है कि हमने इसे हॉरिजॉन्टल यूज़ किया है क्योंकि गाइस बर्ड को क्या है फ्लाई करने में काफ़ी मदद होती है। अगर हम खड़ा केज रखा रहता बट उसमें फ्लाइट के लिए उतनी जगह नहीं मिली रहती और ऊपर और नीचे इतना यूज़ नहीं होता है जितना आड़ा हम केज को रख के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे इसकी हाइट अभी 2.5 फिट कुछ मिल गई है और जो लेंथ है वो 5 फिट 5.5 फिट करीब मिल गई है और डेप्थ इसकी 1.5 फुट मिल गई है। सो 1.5 फुट की डेप्थ रहने के कारण होता यह है गाइस कि टाइम पास जो होगा बर्ड्स का वो उतना नहीं होगा जैसे कि हम सिंगल केज सेपरेशन में रखते हैं। अभी फिलहाल ये पट्टे हैं सो फिलहाल तो उन्हीं की प्रोग्रेस मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पट्टे इन द सेंस बस फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे सो देखते हैं क्या प्रोग्रेस आती है। तो फिलहाल ये बस एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरा कि किस तरह से हम कॉलोनी में रख सकते हैं। बट गाइस बर्ड्स ये काफ़ी कॉस्टली है सो उस वजह से हमें थोड़ा सा सेफ्टी का उतना ध्यान रखना पड़ेगा। सो हम केज को आप देखेंगे पूरी फ्रेम से मैंने लगा दी है। फ्रेम लग के केज अभी हो तो गया है रेडी। इसमें मैंने लगभग 7 से 8 मटकियाँ लगा दी है और एक डोर अच्छे से दे दिया है इसे। सो अभी लगभग हम इसमें 6 पैर छोड़ने वाले उसके और देखेंगे आप किस तरह से ग्रीनरी है साइड से उसके और एकदम परफेक्ट रहेगा बर्ड्स के लिए। आप देखेंगे ज़्यादा विड्थ मैंने मेंटेन नहीं की है ताकि टाइम पास उतना कम हो बर्ड्स का और प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी मिले। ऊपर से थोड़ा पर्दा हट गया है और नीचे में कुछ ना देते हुए नीचे में जाली ही है क्योंकि वेस्टेज उतना ही नीचे गिर जाए तो उतना ही अच्छा है और साफ़ करने की झंझट नहीं रहेगी। सो इस हिसाब से मैंने उसे अभी केज को कर तो दिया है तैयार और देखते हैं किस तरह से हमें प्रोग्रेस मिलती है। सो गाइस अभी बर्ड्स को छोड़ने का वक्त है। इसमें लगभग आप देखेंगे सारे ही कलर से आसपास जो डार्क म्यूटेशन के हैं कुछ ब्लू है इसमें। मैं सोच रहा हूँ आगे कुछ कोबाल्ट बढ़ा दूँ इसमें और मेरे वॉयलेट्स ब्लैक मास एक डाइल्यूट और सो मिक्सचर है रिंग वैरायटी का। सो देखेंगे अभी मैं पेयरिंग का इनका कंफर्म नहीं है मुझे, वो तो हम देखेंगे पेयरिंग किस तरह से वो करते हैं केज में जाके और किस तरह से उनका हमें प्रोग्रेस मिलता है। तो अभी ये बर्ड्स तो सारे रेडी हैं अंदर जाने के लिए और मेन मतलब इनका मैंने डीवर्मिंग करा चुका हूँ और बाहर में ही जब छोटे केज में मैंने इन्हें स्टॉक किया था उसी में मैंने इनका डीवर्मिंग करा चुका था। अभी कम्प्लीटली रेडी है केज में छूटने के लिए। तो शायद से नेक्स्ट सीजन ही हमें मिलेगा बट उम्मीद है कि जो वॉयलेट है वो हमें ब्रीड दे दे क्योंकि वॉयलेट अभी बड़े फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे। सो देखते हैं उनकी प्रोग्रेस हमें कैसे मिलती है। सो रिलीज़ तो करेंगे। रिलीज़ करते वक्त भी मुझे गाइस काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि केज का डोर काफ़ी ज़्यादा ओपन है और केज की विड्थ उतनी नहीं है तो इसे भाग जाने का काफ़ी डर था। सो अभी हम इसे ओपन खड़ा करके ही छोड़ना मुनासिब रहेगा क्योंकि आड़े करे में गैप काफ़ी ज़्यादा थी। सो मैंने खड़े करके ही छोड़ा है अभी फ़िलहाल। तो अभी देखेंगे किस तरह से प्रोग्रेस हमें मिलती है। रिलीज़ तो अभी कर देंगे फ़िलहाल और इनकी पेयरिंग भी अभी फ़िलहाल मैं कन्फर्म नहीं हूँ इनको पेयरिंग के लेके। अभी फ़िलहाल तो अभी ये बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आगे जाके मैं प्लान कर रहा हूँ मुझे क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऐसा करना है कि मुझे कॉलोनी में रिजल्ट अच्छा मिलता है या सिंगल केज में वो मुझे देखना है। हो सकता है ये कॉलोनी में एक दूसरे को देख के ब्रीड अच्छा करे और हो ये भी सकता है क्योंकि नॉन रिंग का मैंने देखा है कॉलोनी में ज़बरदस्त ब्रीड करते हैं बट रिंग वैरायटी मैंने सुना है कि काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। सो एक बार एक्सपेरिमेंट करके ही हमें पता चलेगा किस तरह से आगे बढ़ते हैं हम इन पेयर्स को लेके। तो देखेंगे अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील तो कर रहे हैं। कुछ पट्टे हैं इसमें, कुछ हो चुके हैं फर्स्ट टाइम ब्रीड पे आ चुके हैं तो देखेंगे प्रोग्रेस किस तरह से मिलती है। एडजस्ट तो काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। बाजू में ही हमारी लुटिनो की कॉलोनी है वो तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे हमें प्रोग्रेस मिलना शुरू हो चुका है। नेस्टिंग मटेरियल उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, शायद से एग्स ले करना स्टार्ट हो चुका होगा। मैं उसी प्रोग्रेस वीडियो बनाऊँगा जल्दी ही और किस तरह से हमें उसमें प्रोग्रेस मिलती है वो हम देखेंगे और किस तरह से अभी इनका क्या रिस्पॉन्स रह रहा है केज के अंदर आने के बाद वो हमें पता चलेगा कुछ टाइम बाद। तो इन्हें अभी फ़िलहाल हमें टाइम देना चाहिए और ज़्यादा अभी फ़िलहाल इनसे एक्सपेक्ट ना करते हुए
इन्हें हम वक्त देके, अभी फिलहाल मैं इनकी मेडिसिन में अभी कौन सा यूज करूँ, क्योंकि इनका इन्फेक्शन जल्दी लगने का बहुत डर रहता है, तो एक डिसइंफेक्टेंट है वो मैं यूज करता हूँ, कौन सा यूज करता हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, हम किस तरह से उसे डोजेज देते हैं पानी में वो मैं आपको बताऊंगा कि वो इन्फेक्ट, और एंटीबायोटिक मैं कौन सा एक्जैक्टली यूज कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो हमें केयर लेना काफी जरूरी है, क्योंकि थोड़े कॉस्टली बर्ड्स है, सो इस वजह से उतनी ज्यादा हमें उनकी केयर लेना पड़ेगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा, और केज का सेटिंग कैसा लगा, या फिर और कोई सजेशन है आपके पास कि किस तरह से मैंने केज का सेटअप रखना चाहिए, तो प्लीज वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ये केज का आपको सेटअप कैसा लगा इसकी प्रोग्रेस तो मैं जरूर शेयर करूंगा, और किस तरह कैसा लगा आपको प्लीज हमें कमेंट में जानकारी। सो गाइस टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्रेस पार्क, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।